हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं हूं डॉक्टर शिखा गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फाइव लंच रेसिपीज बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं आप लोगों की आप मुझसे ऑप्शन बोलते हैं कि लंच में ऐसे क्या ऑप्शन हम ले सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा वेट लॉस मिले तो आज आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रही हूँ मैं मैं आपके लिए लेके आई हूँ फाइव लंच ऑप्शन जो आपको देंगे अमेजिंग वेट लॉस तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपने वेट लॉस लंच किस तरीके से बनाती हूँ इतना हेल्दी वाला वेट लॉस वाला थेपला बना रहे हैं हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है उसमें मैं ले रही हूँ वन फोर्थ कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लॉर अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर्थ कप होल व्हीट फ्लॉर यानी नॉर्मल आटा हमारा अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर डाल दूंगी अच्छे कलर के लिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन यानी कैरम सीड्स ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट सेसमी सीड्स यानी कि तिल इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेथी के पत्ते यानी कि फेनियोग्रीक लीव्स इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और छोटा चॉप कर लिया है अगर आपके पास मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पालक यानी कि स्पिनच भी ऐड कर सकते हो अब मैं यहां पे डाल रही हूँ लो फैट कर्ड यानी कि घर की जमी हुई दही है ये दो स्पून मैं यहाँ पे दही के डाल रही हूं अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप उसकी जगह पर यहाँ पे एक टेबल स्पून ऑयल का डाल सकते हैं अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है पानी अभी हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे क्योंकि मेथी का अपना बहुत सारा पानी होता है और जब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं तो वो पानी छोड़ती है तो पहले इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमें रिक्वायरमेंट लगती है तो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे नॉर्मल रोटी या पराठा के लिए जैसे हम अपना डो प्रिपेयर करते हैं आटा गूंते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें गूंदना है यहां पर पानी की रिक्वायरमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी क्योंकि मेथी के अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट लगती है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करना तो ये डो हमारा बिल्कुल रेडी है हम आटे को रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे और इमीडिएटली हम इसके थेपले बनाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने मेथी ऐड करी है और अगर आटे को हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए तो मेथी पानी छोड़ेगी और आटा हमारा गीला हो जाएगा इसलिए इसको हमें रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इमीडिएटली हम इसके थेपले बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये डो हमारा बिल्कुल बन के रेडी है और अब हम बनाएंगे इसके थेपले तो हमने ये एक पेड़ा ले लिया है और नॉर्मल जैसे रोटी पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बेलना है सूखा आटा मैंने इसके ऊपर लगा लिया है दूसरे साइड पे भी लगा देती हूँ ताकि ये हमारे चकले के साथ चिपके नहीं अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे हम इसको बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है बहुत मोटा भी नहीं रखना है हमें तो बिल्कुल मीडियम साइज का हमें ये बेल कर रेडी करना है बिल्कुल जैसे हम अपना नॉर्मल रोटी पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बेलना है थेपले जो होते हैं आप उसको बहुत लंबे टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो तो अराउंड फिफ्टीन डेज के लिए आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन आपको फिर इसमें कर्ड यानी कि दही इंक्लूड नहीं करनी है अगर आपने इसमें दही इंक्लूड करी है तो फिर आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते अगर आपको चाहिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको अपने थेपले कैरी करके लेकर जाने हैं तो आप इसके अंदर वन टेबल स्पून ऑयल डालिए और कर्ड आप हमें सेकना है। अब एक हमने अपना हीट कर लिया है थे कुक कर लेते हैं हम एक साइड से हमारा थेपला कुक हो गया है इसको फ्लिप करके हम चेक कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गया एक साइड से दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही कुक करना है बिल्कुल थोड़ा सा हम इस साइड पे देसी घी लगा देंगे बिल्कुल हाफ टी स्पून के जितना अब इसको हम फ्लिप कर देते हैं और इस साइड पर भी हमको थोड़ा सा घी लगाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा यानी हाफ टी स्पून के जितना इस साइड पे भी हम घी लगा देंगे और बहुत अच्छे से हमें इसको स्प्रेड कर देना है इसको फ्लिप कर देते हैं दोनों साइड से बहुत अच्छे से हमें इसे कुक कर लेना है अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा थेपला तो इसको एक प्लेट में हम सर्व कर देते हैं लुक एट दिसकुल तैयार है हमारे थे हमने यहाँ पे एक पैन को गैस पर रख दिया है सिम टू मीडियम फ्लेम पर इसमें एक स्पून हम देसी घी डालेंगे एंड इसमें थोड़े से मखाने हम रोस्ट कर लेंगे फ्लेम यहाँ पर सिम टू मीडियम रहेगी इसको हम लाडल को चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि मखाने जले नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएं। अब देख लेते हैं मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए कि नहीं एक मखाना हमें टेस्ट करना है बस इसको दोनों हाथों के बीच में हम प्रेस करके तोड़ के देखते हैं अगर ये अच्छे से टूट जाएगा तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है देखिए अब हमने हाफ कप रोस्टेड मखाने ले लिए हैं इसको मैं बोल में डाल दूंगी अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ वन फोर्थ कप लो फैट कर्ड या दही घर की जमी हुई दही है ये इसको भी मैंने डाल दिया है बोल में अच्छे से मखाने और दही को हम मिक्स कर देंगे और इसको हम सोक होने देंगे अराउंड फिफ्टीन मिनट्स तक तो इसको हम फिफ्टीन मिनट्स के लिए साइड पर रख देते हैं और इसको सोक होने देते हैं अब फिफ्टीन मिनट्स हो गए हैं मखाने हमारे बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं दही के अंदर अब इसके अंदर हमने डालनी है फ्रूट्स मैंने यहाँ पे थोड़े से एप्पल चॉप करके रखे हैं उसको डाल दूंगी मैं बोल में अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक ग्रेप्स इसको भी डाल दूंगी बोल में अब यहाँ पे ग्रीन ग्रेप्स ले लिए मैंने इसको भी बोल में डाल रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बनाना चॉप करके रखा हुआ है मैंने ये भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर आपके पास घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है आप इसमें यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही फ्रूट यूज करने हैं अब इन सब चीजों को बस हमें मिक्स करना है और दैट इट हमारा पूरा मील बन रेडी हो गया है इससे ज्यादा सिंपल इजी क्विक रेसिपी क्या हो सकती है खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है और आपको बहुत देर तक फुल भी रखेगी रहेगी अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स होती है ना तो ये बहुत काम की चीज है बस अब हमने इसको मिक्स कर दिया है बिल्कुल रेडी है हमारा मखाना रायता अब इसके ऊपर थोड़े से मैं मिक्स सीड्स डाल रही हूँ इसमें मेलन सीड्स पम्पकिन सीड्स सनफ्लावर सीड्स शिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हैं तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर जार ले रही हूँ उसमें मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप रोस्टेड ओट्स इसमें डाल दूंगी दो डेट्स ये सीडलेस है अब एक एप्पल ले लिया है मैंने इसको पील नहीं किया है इसकी सीड्स निकाल ली है और इसको स्लाइसेस में कट कर दिया इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर जार में अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वन स्पून पीनट बटर ये अन पीनट बटर है अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अराउंड टेन टू तो फिफ्टीन रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड यमी बन जाता है अब इसमें वन ग्लास के अराउंड मैं पानी डाल दूंगी अब ब्लेंडर जार को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लेंड 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 इतना सिंपल इतना इजी इतना क्विक ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑप्शन मैं आपको ये दे रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ट्रस्ट मी देखिए कितना क्रीमी एंड यमी बना है इतनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत ही अमेजिंग है एंड सबसे ज्यादा स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेट लॉस के लिए सुपर है अब यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़े से इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाता है आप इसको जरूर ट्राई करो ये बहुत ही ज्यादा यमी है और मेरा फेवरेट है हेल्दी टेस्टी चिकपी ओट्स बना रहे हैं हम सबसे पहले एक पैन को मैंने हीट कर लिया है अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल तो मैं ये वन स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स जैसे ही हमारे क्यूमिन सीड्स थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे थोड़े से स्प्लटर होने लगेंगे मैं इसमें डाल दूंगी फाइनली चॉप जिंजर जो की हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसन अगर आप लहसन नहीं खाते तो आप इसको बहुत इजीली स्किप कर सकते हो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च जो आप देखेंगे मेरी हर रेसिपी में होती है वाइटमिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी हर रेसिपी में अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम कुक कर देंगे थोड़ा सोटे कर लेंगे और थोड़े से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए और इससे हमारी रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा अब यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर यानी कि कुरैंडा सीड पाउडर अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कुक कर देंगे हम और इनको जलने नहीं देंगे इसलिए जो हीट है यहाँ पे हम बहुत लो रखेंगे बहुत ज्यादा हीट पे हम इसको नहीं कुक करेंगे अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप ये भी बहुत इजीली स्किप कर सकते हो अब इनको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे थोड़ा सोटे कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते और सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको अब यहाँ पे हमारा आएगा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा छोले मसाला तो अगर आपके पास घर पे छोले मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा कुक कर लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं आपस में अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप टमेटो और अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक कर लेंगे अपने टमेटोज़ को जब तक कि हमारे टमेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट एंड पल्पी नहीं हो जाते इसको लिड लगाकर हम कुक कर लेते हैं अराउंड फाइव मिनट्स तक ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाएं अब फाइव मिनट्स हो गए हैं लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें लग रहा है कि बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं अब इनको मिक्स कर देते हैं और अब हमारे जो टमेटोज़ हैं वो भी बहुत सॉफ़्ट हो गए हैं अब यहाँ पे मैं डाल रही हूं अपने चिक पीस यानी कि छोले व्हाइट वाले छोले इनको मैंने बॉयल कर लिया है इनको उबाल लिया है मैंने और अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये हाफ कप कुक्ड छोले मैंने यहाँ पे लिए हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी छोले के साथ अब सारे मसाले छोलों के ऊपर हमारे जो है वो कोट हो गए हैं अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओट्स ये रोल्ड ओट्स हैं और हाफ कप मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ओट्स छोले और सारा का सारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी मैं यहाँ पर हाफ कप पानी ले रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सोख हो जाए पानी के अंदर इतना पानी हमें इसके अंदर डालना है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब इसको लिड लगाकर हम कुक करेंगे तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ लिड से और अराउंड फाइव टू तो टेन मिनट्स हम इसको लो टू तो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे लिड हटाकर चेक कर लेते हैं बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे चिकपीओ सब थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इसको हम धनिया के पत्ते यानी कि कोरियाडल लीव्स के साथ अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको सर्व कर देते हैं एक बहुत अच्छी सी डिश के अंदर बहुत ही टेस्टी ही लगते हैं मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ चने की दाल अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेम क्वांटिटी तुअर दाल या अरहर की दाल अब इसके अंदर पानी डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको तकरीबन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए हम सोक करके रख देंगे उससे ये इजीली कुक हो जाएगी इजीली डाइजेस्टेबल होगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगी अब यहाँ पे कुकर ले लिया है मैंने और ये जो हमारी सोक दाल थी इसको हम कुकर में डाल देंगे अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी और कुकर को हम बंद कर देंगे और इसको अराउंड फोर टू तो फाइव विसल्स लगवा देंगे मीडियम फ्लेम पर अब जब तक हमारी दाल को खो रही है तब तक हम अपनी दाल का तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं मैंने एक पैन को गैस पे रख दिया है उसमें डाल दूंगी वन स्पून देसी घी इससे दाल की जिंदगी ही बदल जाएगी गाइस अब यहां पे मैं डाल रही हूं जीरा यानी कि ह्यूमन सीड्स चौप्ड ग्रीन चिली चौप्ड जिंजर चौप्ड गार्लिक यानी कि लसन अब डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम घी के अंदर चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ अब मैं इसमें इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सॉटे कर देंगे अच्छे से जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे इसमें डाल देंगे चॉप टमाटो थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूं इसमें मिक्स कर देंगे सोटे कर लेंगे टमाटोज को जब तक टमाटोज अच्छे से सॉफ्ट एंड पल्पी ना हो जाए दाल चेक कर लेते हैं अपनी स्टीम इसमें से निकल गई है चार से पांच विसल्स आ गई थी इसमें दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है अब देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है अब देख लेते हैं तड़का हमारा प्रिपेयर हो गया कि नहीं ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है अब दाल को इसमें डाल देते हैं एंड दैट्स इट बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और अब इसके अंदर हम एक डाल देंगे बहुत ही अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट ये हमारा गरम मसाला और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव यानी धनिया के पत्ते और बस दाल हमारी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए अगर इसको खाके वेट लूज होगा तभी तो मजा आएगा इतना टेस्टी खाना खाएंगे हम दाल भी खाएंगे प्रोटीन रिच दाल खाएंगे और उसको खा के भी हम वेट लूज करेंगे पूरा एक बोल आप अपने लंच में इसको ले सकते हैं तो गाइज आई होप आपको मेरी वेट लॉस लंच रेसिपीज अच्छी लगी होंगी और अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे लंच इज सॉर्टेड बिल्कुल पता है आपको क्या खाना है लंच में जिससे आपको मिलेगा अमेजिंग वेट लॉस तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा इसको जरूर लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करिए जिनको पता लगे कि ये सब चीजें हम यूज करके अपना वेट लॉस कितना ईजीली कर सकते हैं इतनी सिंपल इतनी क्विक रेसिपीज आप अपने लंच में बना सकते हैं जिससे आपको मिलेगा सुपर वेट लॉस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब